चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं कार्यक्रम में, तस्वीरें आपको दिखाएंगे सिंगरौली से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सिंगरौली। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर संत रविदास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सिंगरौली से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली पहुंच चुके हैं और यहां पर संत रविदास यात्रा को हरी झंडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाने वाले हैं और साथ ही बीजेपी नेताओं साथ व्यापारी संघ ने यहां पर स्वागत किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो कि संत रविदास यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही एक जनसभा को भी वे संबोधित करेंगे। आगामी चुनावों को देखते हुए, विधानसभा चुनावों को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ तेज गति से न सिर्फ विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं बल्कि रैलियां, रोड शोज और जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं, जिससे लोगों के साथ संपर्क लगातार बना रहे। सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं विकास की गति को और बढ़ाने का, जो प्रयास है वो लोगों तक उसकी जानकारी भी पहुंचा सकें, उनका समर्थन हासिल कर सकें। और अभी फिलहाल जो सिंगरौली से जानकारी मिल रही है वो ये कि सिंगरौली में संत रविदास जयंती यात्रा, माफ कीजिएगा, संत रविदास यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और एक जनसभा को भी वहां पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इससे पहले ताबड़तोड़ रोड शोज के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते रहे हैं और अब सिंगरौली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर वे लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले वे सिंगरौली में संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं मौके पर और यहां संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा जो हरी झंडी दिखाए जाने के बाद रवाना होगी, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस यात्रा को और इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास। और संत रविदास यात्रा जो यहां से निकाली जाएगी उसका शुभारंभ, उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। और शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, टोल टैक्स पर बस स्टाफ और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। बिना टोल चुकाए एक यात्री बस जा रही थी और इस दौरान यहां एक टोल कर्मी से विवाद हो गया। दरअसल एक टोल कर्मी घायल भी हो गया और इसका पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। नेशनल हाईवे 52 रोजबास टोल टैक्स पर यह मामला सामने आया, जहां शाहजहांपुर में टोल टैक्स नाका पर गुंडागर्दी, कर्मचारियों और बस स्टाफ पर विवाद, सीसीटीवी में इसकी तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। दरअसल टोल नाका पर गुंडागर्दी का यह मामला सामने आया, जहां इस पूरे मामले में एक टोल कर्मचारी भी घायल हो गया है। सुनील अचौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। सुनील, क्या ये विवाद हुआ, कुछ कार्रवाई की गई इसमें? आशीष, देखिए पूरा मामला जो है वो नेशनल हाईवे आगरा मुंबई नंबर 52 का है और जानकारी उसके मुताबिक जो महामाया ट्रेवल्स है, एक निजी यात्री बस है, वो टोल टैक्स से जब गुजर रही थी तो टोल टैक्स से गुजरने के दौरान उनका यहाँ पर जो टोल टैक्स कर्मचारी थे उनका विवाद हुआ। इसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टोल टैक्स कर्मचारी और बस का जो स्टाफ है उनके बीच हाथापाई हो रही है और बस जबरन इस टोल नाके से गुजरने की कोशिश कर रही है। विवाद की वजह ये बताई जा रही है, टोल टैक्स कर्मचारियों का आरोप है कि बस का स्टाफ जो है बिना टोल चुकाए यहाँ से जबरन निकल रहा था और जबरन उसने जो बैरिकेड हटाकर यहाँ से निकलने की कोशिश की। इस विवाद में एक टोल टैक्स कर्मचारी के घायल होने की सूचना है। मक्सी पुलिस ने टोल टैक्स प्रबंधन की शिकायत पर बस के स्टाफ के खिलाफ मामला कायम किया है, 4 लोगों के खिलाफ मामला कायम करके जांच शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। और सिंगरौली लिए चलेंगे एक बार फिर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। दरअसल संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा की शुरुआत यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाकर करेंगे। मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अब से कुछ ही देर में यात्रा की शुरुआत होगी और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
दरअसल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँच चुके हैं। मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, और इससे पहले जब वे वहाँ पहुँचे तो बीजेपी नेताओं और व्यापारी संघ के नेताओं ने उनका स्वागत किया। सरई में तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री को शामिल होना है। और सिंगरौली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर वे श्रद्धांजलि दे रहे थे। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं सिंगरौली में, कार्यक्रम स्थल पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सराई में तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं के एक कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार रैलियां रोड शोज करते हुए और आज भी एक जनसभा को वे संबोधित करेंगे। तो यहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दरअसल आज संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा की शुरुआत यहां से हुई और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी वे संबोधित करेंगे। और जब पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और व्यापारी संघ के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे सिंगरौली के इस कार्यक्रम में। बीजेपी नेताओं समेत व्यापारी संघ ने उनका स्वागत किया। संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही सराय में तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात होनी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और एक और बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सिंगरौली से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। एनसीएल ग्राउंड पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सिंगरौली के एनसीएल ग्राउंड पर काफ़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और यहां इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से और संतों से मुलाकात करते हुए और जो ये संत यात्रा पर जा रहे हैं उनका शॉल उड़ाकर सम्मान करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप देख सकते हैं। संत रविदास यात्रा में शामिल जो संत समाज के तिलक लगाकर और उनको शॉल उड़ाकर यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, उन्हें सम्मान प्रकट करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और इस वक्त ये एनसीएल ग्राउंड पर वो मौजूद हैं और संत रविदास यात्रा को रवाना करने से पहले इस संत यात्रा में शामिल जो संतगण हैं उन्हें तिलक लगाकर शाल ओढ़ाकर अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं और साथ ही यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त सिंगरौली के एनसीएल ग्राउंड से, संत रविदास समरसता का संदेश देने वाले और यहां पर इस यात्रा में शामिल होने के लिए जो लोग पहुंचे हैं इस यात्रा को रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपने हाथों से तिलक लगाकर शॉल उड़ाकर और नारियल देकर सम्मानित करते हुए, अपना सम्मान प्रकट करते हुए और यहां इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे। तस्वीरें सीधी इस वक्त सिंगरौली से हम आपको दिखा रहे हैं। संत रविदास समरसता संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जो कि जब पूरी होगी तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल संत शिरोमणि रविदास की एक मंदिर बनाया जाना है और इस मंदिर निर्माण से पहले ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। अलग अलग जगहों से ये यात्रा निकाली जानी है। सिंगरौली से फिलहाल यात्रा आज निकाली जाएगी और इस वक्त आप देख सकते हैं मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और उन्हें
यात्रा का जो कलश है दिया गया है और इसकी शुरुआत होनी है और ये कलश मुख्यमंत्री के हाथ में और सिर पर रखकर कलश वे इस यात्रा की शुरुआत में हिस्सा ले रहे हैं और सांकेतिक रूप से और यहाँ शिवराज सिंह चौहान कलश को माथे से लगाकर यात्रा में शामिल करेंगे और यहाँ पर कुछ जो तस्वीर आप देख सकते हैं उसमें प्रतीक चिन्ह भी दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री को और संत रविदास समरसता संदेश यात्रा जिसके माध्यम से संत शिरोमणि रविदास के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं एनसीएल ग्राउंड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी एनसीएल ग्राउंड पर मौजूद हैं इस वक्त जहां ये कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किया जा रहा है और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं यात्रा की शुरुआत की गई है औपचारिक रूप से और एक जनसभा को भी यहाँ मुख्यमंत्री संबोधित कर सकते हैं और इसके बाद सराय में तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ चर्चा होगी उनके कार्यक्रम में वे शामिल होने के लिए जाएंगे जो कि जिले की नदियां सोन नदी खड़ग नदी रिहंद नदी काचन नदी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हें माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया मंच पर इस वक्त मौजूद हैं कुछ एक समस्याएं जो लोगों की रहती है वो अक्सर सुनते ही रहते हैं और मंच पर भी कुछ समस्याओं को लेकर पत्र उन्हें दिया गया है वहां भी जो काम है वो जारी रहता है पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है स्वागत कर रहे हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ यहाँ से संदेश देते हैं क्या वो कहने वाले हैं ये भी हम आपको सुनवाएंगे और यहाँ जो संत रविदास समरसता संदेश यात्रा निकाली जा रही है इस यात्रा के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचे हैं और जब वे पहुँचे थे उस वक्त की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं साथ ही इस वक्त सीधी तस्वीर जो लाइव वहां से आ रही है वो भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वहां पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ व्यापारी संघ के नेताओं ने भी वहां पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और अब मंच पर पुष्पगुच्छ दिए जा रहे हैं और यहाँ संत रविदास समरसता संदेश यात्रा जिसकी शुरुआत हो रही है और मंच पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं प्रारंभ किया जा रहा है हम सब उसके साथ
सिंगरौली की जनता बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती है। रविदास धर्म को मानने वाले सभी अनुयायी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय रविदास। निवेदन है क्षेत्रीय विधायक सामान्य रामलाल भाई जी, कृपया करके आप भी आया और संक्षिप्त में उद्बोधन मधुपुर पर दिया। महाराज माता जी, हमारे संत रविदास जी के यात्रा के अवसर पर प्रदेश से माननीय आश्वासित मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश राठौर जी, सिंगरौली से जिले के माननीय सांसद नितिन पाठक जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय काम सिंह सुखदेव सिंह जी, जिले के अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता जी और हमारे संभाग प्रभारी प्रदेश के महामंत्री रजनी सिंह रावत जी, जिले के प्रभारी आदरणीय पांडे जी, कार्यक्रम में हमारे जनसद अशी गांधी के विधायक अमर सिंह जी, सुरेश पांडे जी, गणेश भेटे जी, हमारे पते का माननीय संतगण और उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, उपस्थित हमारे पत्रकार भाइयों और उपस्थित हमारे लाडली बहना और उपस्थित सभी मेरे मित्र साथियों, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और इस रविदास जयंती के अवसर पर आप सबको ज्यादा न कहेंगे, हमारे प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री जी अपनी बात को यहाँ पर यात्रा को हरी झंडी देने के अवसर पर आप सबको संबोधित करेंगे। हम इतना ही करते हुए सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपने पारे को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नहीं बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं यहां और संत रविदास समरसता संदेश यात्रा में शामिल होने के लिए, और यहां पर इस यात्रा के माध्यम से समरसता का संदेश दिया जाएगा और 50 जिलों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। साथ ही इस यात्रा के अलावा मंदिर निर्माण के अलावा लोगों में एकजुटता का संदेश देना ही इसका लक्ष्य बताया जा रहा है और NCL ग्राउंड पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यात्रा की शुरुआत से पहले यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा में शामिल होने वाले संतों को तिलक लगाकर शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। बार बार इस प्रदेश पर और खासकर हमारे इस जिले पर रहा है, हम सबके अपने लाडले भैया, लाडली लक्ष्मियों के मामा, लाडली बहनों के भाई, हमारे बुजुर्गों के श्रवण कुमार, किसानों के साथी, गरीबों के मसीहा, 2047 के उस स्वर्णिम और विकसित भारत के सपनों के पूर्ण करने वाले हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों के सहायक, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आपकी अपनी बहन, आपकी सांसद स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं और अभिनंदन करती हूं। आदरणीय भैया, आपका हमारे इस जिले में, मेरे जिले में पुनः आगमन हुआ, बार बार आगमन हुआ, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। आज का ये कार्यक्रम जो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, आज गुरुजनों का सम्मान करके आपने ये साबित कर दिया है कि उनके द्वारा दी गई उस मिट्टी को, उस पावन मिट्टी को और आगे उस कलश के माध्यम से इस यात्रा की ओर से लेकर जाना है। और इस यात्रा का संकल्प जनहित का, विजय का और जन भावना के उस सम्मान का है जिन्होंने सदैव हमारे इस सरकार के प्रति रखा है। आज रविदास जयंती के अवसर पर आपका ये आगमन हम सबके लिए आगे आने वाले समय के लिए और उत्साहित करता है। मैं आज इस शुभ स्थल से, शुभ कार्यक्रम से आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि हमारे इस मायके जिले के सभी अपनों का साथ आपके साथ सदैव बना रहेगा, आपके साथ हमारे बड़ों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और आपके द्वारा किए गए कार्य, जिन्होंने आपने जो भी सिंगरौली जिले के लिए कार्य किए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो
अन्य व्यवस्थाएं हों, इन कार्यों के लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आगे आने वाले समय में लाडली बहनों की तरफ से, लाडली लक्ष्मियों की तरफ से इस भाई का आशीर्वाद जिले के लिए सदैव बनता रहे, इस हेत में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये मुस्कुराहट सदैव हम सबके साथ बनी रहे और आपका आगमन इसी तरह होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। निवेदन है संत श्री काशी आश्रम से पधारे भगत जी, आपसे गुजारिश है कि आए और हमें आशीष प्रदान करें। संत श्री भगत जी।